जेई मेंस का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया था ठीक है देते ही मेरे को पता चल गया था कि ये तो क्लियर ही है, एंड मेरा जो मेन गोल था वो था जेई एडवांस जैसे ही जे एडवांस पास आ रहा था तभी कोविड पीरियड आ गया तो कोचिंग छोड़ के हर कोई घर में ही आ गया तो अब सबको एंजाइटी बढ़ रही थी उस टाइम फाइनली जब जे एडवांस टू आया तो उसकी एक रात पहले जो सभी एस्प्रेंड्स के साथ होता है वो है कि सुबह सुबह का टाइम था ठीक है जेई वालों ने अनाउंस कर दिया कि आज रिज़ल्ट आ चुके हैं जो मेरे मन के अंदर हो रहा था वो ऐसा था कि भाई क्या होने वाला है आज क्या आज, आज आ, अंडर हंड्रेड रैंक आएगी या थाउजेंड के भी पार जाएगी हेलो मैं हूँ ऋषि जैन मैं अभी आई आई से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ जेई एडवांस टू में मेरी ऑल इंडिया रैंक नाइन्टी थी और इसीलिए मैं आज जे जो स्टॉक जेई के मंच पे आया हूँ अपनी कहानी सुनाने और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेटजी भी बताने तो चलिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन तालबहट से जो कि उत्तर प्रदेश में है वैसे तो ये टाउन बहुत ही छोटा है पर आ, मैं जहाँ रहता था वहाँ आस लोग भी नहीं थे तो बचपन में मेरे लिए टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं था हमारी जो टीवी भी थी उसमें सिर्फ दूरदर्शन आता था तो उस टाइम मेरे लिए टाइम पास के लिए जो था वो था कॉमिक बुक्स ठीक है कॉमिक बुक्स में पंचतंत्र पढ़ता था चंपक पढ़ता था और साथ ही साथ अपने स्कूल की मैथ बुक लगाना मेरे को बहुत ही पसंद था मैथ बुक लगाता था और उसके अलावा इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ ली जब आ, इस साल की बुक्स ख़त्म हो गई तो अगले साल की पढ़ना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरा एक डेडिकेशन आ गया बुक्स के आ, बुक्स के लिए एंड मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता गया दैन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया मैंने अपने पापा को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मेरे पापा भी इंजीनियर हैं एंड वो रेलवे की जॉब करते थे और मेरी जो मदर हैं वो एक हाउसवाइफ थी तो बचपन से मैंने अपने पापा को देखा था तो हमेशा घर में अगर कोई भी चीज़ ख़राब हुई जैसे प्रेस ख़राब हुई तो वो खुद मल्टीमीटर लेके बैठ जाते थे एक एक वायर चेक करते थे देखते थे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं भी वहीं बैठा रहता था एंड देन मेरे को वो चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी यार कि ये पापा कैसे कर रहे हैं पापा ने चीज़ें सुधार दी मैं भी ऐसा कर सकता हूँ एंड देन फिर वो फोर्थ क्लास तक थोड़ा थोड़ा मन में आ गया कि यार क्या मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है मैं क्योंकि मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो मैंने फोर्थ क्लास में बोला होगा एक दो बार घर वालों को तो घर वालों ने इग्नोर कर दिया कि यार फोर्थ क्लास का बच्चा है इसको क्या ही पता होगा ठीक है बट वो मन में एक बार बैठ गया कि हाँ भाई इंजीनियर ही बनना है ठीक है एंड देन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया और ऐसी ही चीज़ें होती रही फिर जब मैं सेवन्थ क्लास में आया तो मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया टू टीकमगढ़ एंड टीकमगढ़ में आ, मैंने स्कूल ज्वाइन किया केंद्रीय विद्यालय तो वो जो स्कूल था वो वैसे तो बहुत ही छोटा स्कूल था ठीक है वो स्कूल मेरे आने से जस्ट तीन चार साल पहले ही खुला था एंड वो स्कूल मेरे साथ साथ ही बड़ा हो रहा था जब मैं सेवन्थ में ज्वाइन किया वो स्कूल एट्थ क्लास तक था जैसे मैं नाइन्थ में गया तो वो टेंथ तक था तो और वो जो स्कूल था वो म्यूनिसपाल्टी काउंसिल की बिल्डिंग में था उसकी खुद की बिल्डिंग भी नहीं थी उस टाइम तक तो ना वहाँ पे पुट्टी थी ना वहाँ पर पे, पेंट था कई क्लासों में पंखे भी नहीं थे तो पहले तो मेरे को लगा यार ये कैसे स्कूल में आ गया यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी भी होगी या नहीं होगी ठीक है बट एज अ केंद्रीय विद्यालय उसके कुछ बेनिफिट्स तो थे वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि यार मैं दूसरे स्कूल्स में जाके अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ और साथ ही साथ स्कूल जो मेरा स्कूल छोटा था उस कारण से मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दूसरे स्कूल्स में जा सकूँ मैं स्पोर्ट्स में भी गया ठीक है एकेडमिक्स में कई जगह अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया क्विजिंग में डिबेटिंग में और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस एग्जीबिशन में तो एक बार अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई एस सी बंगलौर गया था साइंस एग्जीबिशन में एंड वो आ, हमारी एम की टीम थी मध्य प्रदेश की टीम एंड आई एस सी बेंगलौर में जाके मैंने पहली बार देखा यार कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ठीक है, है? वहाँ किस लेवल की पढ़ाई हो रही होती है ठीक है वहाँ कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ की लैब्स में सारी फ़ैसिलिटीज़ होती हैं तो मेरे को जाके लगा यार अगर मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है तो मेरे को कुछ ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से करनी है जहाँ पे मेरे को सारी फैसिलिटीज़ मिले ठीक है जहाँ पे अगर मेरा रिसर्च करने का मन हो तो मैं रिसर्च भी कर सकूँ ठीक है एंड एक्सपोजर भी मिले तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अगर मैं इंजीनियरिंग करूँगा तो ऐसे ही कॉलेज से करूँगा तो फिर मैंने अपने पापा को जाके बोला कि पापा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है एंड वो भी ऐसे बड़े कॉलेज से करनी है तो आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए तो पहले तो पापा ऐसा सोचे कि यार इसको इंजीनियरिंग भेजूँ क्या क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं ठीक है वो दोनों भी इंजीनियर ही हैं तो पापा मम्मी ने डिस्कस किया और बोले कि नहीं यार तू डॉक्टर ही कर ले फिर मैंने पापा को बोला यार पापा मेरा इंटरेस्ट तो बचपन से ही इंजीनियरिंग में और मेरे को बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती है तो फिर पापा ने बोला ठीक है फिर एंड देन उन्होंने बोला कि तेरे को ऐसे बड़े कॉलेज में जाके ही इंजीनियरिंग करनी है देन यू शुड गिव जे एग्ज़ाम ठीक है तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई जे जैसा एग्ज़ाम देना है ठीक है घर वालों को तो ये ही पता था बाकी मेरे को बाद में पता चला कि के वी भी होता है ठीक है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इसकी प्रिपरेशन करूँगा एंड देन फिर मैं टेंथ में ही लग गया टेंथ में आ, मैंने जो अपने एलेवेंथ और ट्वेल्थ की एन की बुक्स थी वो सॉल्व करना शुरू कर दी तो पहले तो मेरे को जो जो चैप्टर्स थोड़े बहुत आसान थे ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वो वो धीरे धीरे पहले सॉल्व करता था ठीक है टेंथ क्लास में और उससे क्या हुआ कि एक इंटरेस्ट भी बढ़ गया जब एलेवंथ की फ़िज़िक्स पढ़ी केमिस्ट्री पढ़ी तो एक इंटरेस्ट आ गया कि भाई इसमें तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं एंड वो इंटरेस्ट के कारण मेरा मोटिवेशन और बढ़ा फिर मैंने पापा को बोला कि ठीक है पापा मेरे को अब तो कन्फर्म ही है तो उन्होंने एलेवंथ क्लास में बोला कि फिर ठीक है अपन तेरे को एक कोचिंग करवा लेते हैं एंड देन एलेवंथ में जाके मैंने कोचिंग ज्वाइन करी ठीक है कोचिंग का टेस्ट हुआ तो कोचिंग के टेस्ट में भी आ, मैंने पहले से पढ़ रखा था तो एक एडवांटेज मिला मेरे को स्कॉलरशिप मिली तो घर वालों को भी अच्छा लगा कि थर्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी उस टाइम तो घर वालों को अच्छा लगा कि हाँ यार ये कुछ तो कर ही रहा है तो फिर उसके बाद मैं आ, कोचिंग में गया ठीक है तो कोचिंग तक जाते जाते मेरे को ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है जे ही का फॉर्मेट क्या होता है जे एडवांस का फॉर्मेट क्या होता है तो कोचिंग में जाके जो मेरा पहला टेस्ट हुआ तो पहले टेस्ट में जेई मेन्थ फॉर्मेट में हुआ था और वो ऐसा था कि उसमें उस टाइम सेवेंटी फाइव क्वेश्चन दिए थे एंड उसको थ्री आवर्स में करना था अब मैं तो यार तब तक केवल बोर्ड्स का पढ़ा था तो मैं आ, मैंने देखा यार सेवेंटी फाइव क्वेश्चन मतलब हर घंटे मेरे को पच्चीस क्वेश्चन करने हैं तो वो देख के यार डर लग गया अब पेपर में आ, केमिस्ट्री क्वेश्चन तो फिर भी जल्दी हो जा रहे थे बट फिज़िक्स मैथ्स के क्वेश्चन हुए ही नहीं तो वो पेपर में रैंक भी बहुत खराब आई और खुद ऐसा डिप्रेसिंग सा लगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन कैसे करते हैं तो जो मेरे नए नए कोचिंग में दोस्त बने थे ठीक है उनसे जाके उनसे जाके मैंने पूछा कि यार ये पच्चीस क्वेश्चन एक घंटे में कैसे कर सकते ये तो बहुत ही हार्ड है तो उन्होंने कहा भाई ये तो आसान वाला पेपर था पच्चीस क्वेश्चन तो कुछ नहीं असलीजे ही में इसमें तो आ, थर्टी क्वेश्चन करने होते हैं एक घंटे में मतलब पूरे पेपर में नाइन्टी क्वेश्चन आते हैं और उस टाइम पैटर्न भी वही था कि नाइन्टी क्वेश्चन थे या अभी अभी सेवेंटी फाइव हुए हैं बट उस टाइम नाइन्टी क्वेश्चन थे एंड वो तो वो सुन के और ज़्यादा डर लग गया कि यार अब कैसे होगा तो मैंने जाके अपने टीचर से बात करी एंड देन फिर उन्होंने कहा तुम यार अभी ये सब स्पीड वगैरह चीज़ें छोड़ो तुम कंसेप्ट ध्यान दो तुम दो साल बाद जब तुम जेई दोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं दो साल में कितना ज़्यादा बदल गया हूँ एंड देन फिर मैंने उनकी बात आ, सुनी और मैंने कहा ठीक है चलो अब प्रिपेयर ही करता हूँ ढंग से एंड फिर मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू करी और मेरी प्रिपरेशन करने की आ, जो स्ट्रेटजी थी वो कुछ इस तरीके की थी कि मेरी जो कोचिंग होती थी वो थ्री टू से थ्री टू सिक्स होती थी दोपहर को एंड देन कोचिंग से आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता था कि जो आज कोचिंग में पढ़ाया ठीक है उसका खुद से रिवीजन कर लिया एक एक चीज़ अगर कोई डेरिवेशन था तो उसको लिख लिख के वापस डिराइव किया ठीक है एंड सर ने अगर कोई चीज़ पढ़ाई है और उसको इंपॉर्टेंट मार्क किया तो उसको वहीं के वहीं याद कर लिया एंड सारे क्वेश्चन जो क्लास के उनको वापस सॉल्व करने का ट्राई किया बट साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं करता था वो ये था कि जैसे ही वो एक घंटा ख़त्म हुआ उसके बाद मैं टेन मिनट्स खुद को देता था एंड देन टेन मिनट्स मैं बुक वगैरह बंद कर देता था और बस अपनी आँखें बंद करके ये सोचता था कि पिछले एक घंटे मैंने क्या पढ़ा है तो इससे क्या होता था कि जो आपने पिछले एक घंटे पढ़ा है ठीक है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाता था एक घंटा दस मिनट में बस बैठ के सोचता रहता था कि हाँ पहले ये डेरिवेशन किया इसको ऐसे किया एंड देन ये क्वेश्चन किया था उसमें ये अप्रोच लगाई थी अगर आप भी ये सब सोचोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जा रही हैं और एक और बेनिफिट ये होता है कि कई बार हम चीज़ें पढ़ लेते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि हमें वो चीज़ ढंग से समझ आई है या नहीं आई है अगर हम सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो अगर आप ख़ुद में एक बार एनालाइज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये कंसेप्ट अभी भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं है एंड देन अगर वो पता चलता है तो उस पर वापस फ़ोकस करके हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो ये एक तरीका था जो मैंने हमेशा ट्राई किया इसके अलावा जो एक और तरीका था वो ये था कि मैं हर हफ्ते खुद से टेस्ट प्रिपेयर करता था एंड टेस्ट प्रिपेयर करना इन द सेंस कि हर हफ्ते जैसे मेरे को अगर पता है कि मेरे को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स के आ, मैं थर्टी क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा एंड वो कोई भी बुक मैथ्स की आ, जो मैं सॉल्व करता था ठीक है वो उठा लूँगा एंड देन टेन क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से टेन क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से टेन क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से उनको मिला के एक जेई मेन्स का मैथ्स का सेक्शन बना लिया ठीक है ऐसे करके फिजिक्स से भी ले लिए केमिस्ट्री से ले लिए एंड देन इस पेपर को टाइम के सॉल्व किया कि इसको थ्री आवर्स में ही करना है ऐसा जेई मीनस का पेपर बना लिया एंड सिमिलर अगर जेई एडवांस का बनाना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन उठा लिए हर एक चैप हर एक सब्जेक्ट से एंड उनका डिफिकल्टी भी ज़्यादा रखा और अच्छी बात है कि बुक्स में आपको आ, बुक्स में आपको मार्क कर दिया जाता है कि अगर ये क्वेश्चन है आ, अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उस पर स्टार मार्क कर देंगे या फिर उसका अलग से सेक्शन होगा तो आप उस हिसाब से जेई मीनस या जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा सकते हैं ठीक है ये चीज़ कर सकते हैं साथ ही साथ आपको ट्राई करना है कि आपको जो कोचिंग का मटेरियल मिलता है या कहीं और से मटेरियल मिलता है उसके साथ साथ आप बुक्स भी सॉल्व करें तो जैसे मैं कुछ बुक्स सॉल्व करता था उनमें से एक थी फॉर मैथ्स में सॉल्व करता था विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी की एडवांस प्रॉब्लम इन मैथेमेटिक्स जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और वो बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक वो आपको नेट पे मिल जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी के जसवाल सर की बुक है एंड देन फिज़िकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है तो ये बुक्स बहुत अच्छी थी ठीक है इनको मैं टाइम टू टाइम सॉल्व करता रहता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करता रहता था साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता रहता था एंड uh, ये सारे टीचर्स uh, मेरे मेंटर्स भी थे तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी uh, विकास गुप्ता सर तो अभी भी ऑनलाइन uh, पढ़ाते हैं तो आप जाके एक बार उनको भी चेकआउट कर सकते हैं तो uh, इन टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी उस टाइम एंड देन फिर मैंने आ, और तैयारी करना शुरू करी तो धीरे धीरे जो मेरी रैंक बहुत पीछे आ रही थी बैच में हमारा फिफ्टी लोगों का बैच था स्टार्टिंग मेरी रैंक बहुत पीछे आती थी बट जैसे धीरे धीरे मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो मेरी रैंक धीरे धीरे बढ़ती गई शुरू के फाइव सिक्स टेस्ट के बाद मैं टॉप टेन में आने लग गया एंड देन और मेहनत करी तो जैसे जैसे एलेवेंथ का एंड पास आता रहा मेरी रैंक बढ़ती गई एंड आखिरी आखिरी में मैं क्लास के टॉप पे भी आने लग गया तब मेरे को जाके थोड़ी ऐसा कॉन्फिडेंस आया अंदर से कि हाँ अब जेई तो क्लियर हो जाएगा अब मेरे को अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो है मेरी रैंक ठीक है एंड देन फिर मैंने आ, अपनी अपना जो ट्वेल्थ था उसको शुरू किया एंड जेई में एक चीज़ मतलब एक चीज़ सब पे लागू होती है कि अगर किसी ने एलेवल्थ में अच्छे से मेहनत करी है तो ट्वेल्थ में वो अच्छी मेहनत कर ही लेगा मतलब वो ऐसा हो गया कि ट्वेल्थ में आपको अपनी गाड़ी ना ऑटोमेटिक गियर में डाल देनी है तो मैंने वही किया कि जो मेहनत मैं इलेवन्थ में करता आ रहा था वैसे ही मैंने ट्वेल्थ में मेहनत करता रहा गाड़ी ऑटोमेटिक गियर में डाल दी एंड देन उसी तरीके सेम तरीके से रिवीजन करता रहा ठीक है प्रैक्टिस करता रहा हाँ एक और चीज़ जो मैं हमेशा करता था वो ये था कि अपने दिमाग को काम रखता था मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका दिमाग है ठीक है वो सबसे पावरफुल टूल है आप जितना भी पढ़ लो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो अगर आपका दिमाग फोकस नहीं है उस टाइम तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ठीक है तो मैं क्या करता था अपने दिमाग को ट्राई करता था, था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहे और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर मेरे को लगता है कि आज मैं फोकस नहीं हूँ आज मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो मैं पाँच दस मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर लेता था या फिर सुबह सुबह उठ के आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको लगेगा यार कि आप जब पढ़ रहे हो ठीक है तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच पा रहे हो और आप जितना डीपली चीज़ों को सोच पाते हो उनके सॉल्यूशन भी उतने जल्दी स्ट्राइक करते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें कि अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा काम रखें तो ये चीज़ें यूज़ करते करते मैंने अपनी ट्वेल्थ भी निकाली एंड देन फिर जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी में जे ई मेन्स का एग्ज़ाम हुआ ठीक है तो जे ई मेन्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था ठीक है देते ही मेरे को पता चल गया था कि ये तो क्लियर ही है एंड मेरा जो मेन गोल था वो था जेई एडवांस ठीक है तो मैंने फिर जेई मेन्स की इतनी तैयारी करी थी मैंने अगला अगला जो अटैम्प्ट था उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी मैंने कहा अब जेई मेन्स निकल गया निकल गया एंड देन फिर मैंने जे ई एडवांस की तैयारी करनी शुरू कर दी तो जैसे ही जे एडवांस पास आ रहा था तभी कोविड पीरियड आ गया तो जैसे ही कोविड पीरियड आया आ गया तो कोचिंग छोड़ के आ, हर कोई घर में ही आ गया तो अब सबको एंग्जाइटी बढ़ रही थी उस टाइम बट थोड़ा ये था कि उस टाइम ही मैंने ट्राई किया कि खुद को काम रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो मेरा शेड्यूल ये था उस टाइम का कि मैं हर रोज़ उठता था सुबह एंड नौ से बारह एंड दो से पाँच मैं दो पेपर दूंगा ठीक है उसके बाद पाँच बजे के बाद मैं थोड़ा भले ही बाहर खेलना चला जाऊँ या फिर आ, शाम को अपना रिवीजन कर लूँ बट नौ से बारह और दो से पाँच मेरे को पेपर देना है ताकि जेई के दिन ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी उस टाइम अटेंशन में ना हो उस टाइम मेरी बॉडी फ़ोकस ना हो इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई इस टाइम तो पेपर देना है तो जैसे ऐसे मैंने पेपर दिए मेरे को आदत लग गई कि उस टाइम मेरी बॉडी फुली फोकस रहती थी एंड फिर जो भी पेपर मैं देता था उसको शाम को बैठ के एनालाइज भी करता था एंड एनालाइज़ करने के बाद जो मेरे को वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई होते थे उन पर मैं और ज़्यादा मेहनत करता था उन पर मैं अलग से टेस्ट प्रिपेयर करता था ठीक है शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज करता रहता था उन टॉपिक से रिलेटेड या फिर कभी टीचर से हेल्प मांग लेता था कि यार ये टॉपिक वीक है इसका क्या करूं या उस टाइम ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाते थे मेरे को हर एक चैप्टर के लिए तो मैं वो चीज़ें करके अब मैंने अपने उन टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग बना लिया एंड देन फाइनली जब जे एडवांस टू आया तो उसके एक रात पहले जो सभी एस्प्रेंट्स के साथ होता है वो है कि नींद नहीं आती एंड देन मेरे साथ भी ये हुआ मैं इन जनरल दस से ग्यारह बजे सो जाता था बट उस दिन एक से दो बजे तक मेरे को नींद नहीं आई एंड देन अगले दिन फिर मैं उठा सुबह सात बजे तो मैं फाइव आवर्स की नींद में था एंड देन फिर मैं एग्ज़ाम देने गया तो पहले तो बहुत एंगजाइटी हो रही थी बट जो मैंने आपको चीज़ बताई ना कि आप कि मैं डेली नौ से बारह दो से पाँच एग्ज़ाम दे रहा था भले ही मैं कम सोऊँ ज़्यादा सोँ तो मेरी बॉडी में एक वो हैबिट आ गई कि यार उस टाइम तो मेरे को अटेंटिव रहना है उस टाइम मेरे को फोकस रहना है तो मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई ठीक है एंड देन जब एग्ज़ाम हुआ ठीक है तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था मेरे को पता चल गया था कि इस बार एग्ज़ाम टफ़ आया है एंड उसके हिसाब से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया कोई थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स भी हुई बट जब रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक नाइन्टी एट आई एंड देन एवरी वन वॉज़ हैप्पी मेरे पेरेंट्स हैप्पी थे कोचिंग वाले हैप्पी थे हर तरफ से बधाई आई एंड वो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट था मुझे आज भी याद है वो दिन जब रिजल्ट आया था अभी तो मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आ गया नाइन्टी रैंक आ गई पर उस दिन असल में मेरी हालत क्या थी अब मैं आपको वो बताता हूँ सुबह सुबह का टाइम था ठीक है जेई वालों ने अनाउंस कर दिया कि आज रिज़ल्ट आ चुके हैं उसके पहले उनका कोई अनाउंसमेंट नहीं था कि आ, इस आ, इस दिन रिज़ल्ट आ जाएंगे इस टाइम पे आ जाएंगे ठीक है तो टाइम की बहुत अनसर्टेनिटी थी ठीक है तो जैसे ही रिज़ल्ट आया ठीक है मेरे को पता चल गया मैं मेरे पास स्मार्टफोन था मैंने चेक किया कि रिज़ल्ट आ चुके हैं तो मैंने मेरे मम्मी पापा भी साथ में थे आ, उस टाइम मेरे भाई भी घर पे ही थे मेरे जो दो भाई थे वो भी घर पे ही थे क्योंकि कोविड पीरियड था तो सारी फैमिली घर पे ही थी एंड देन मैंने किसी को बताने से पहले सबसे पहले जाके चुपचाप कोने में जाके उस टाइम मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी सबसे पहले जाके मैंने अपना फ़ोन खोला जोसा की साइट खोली ठीक है एंड देन चेक किया कि भाई रिज़ल्ट क्या है तो जैसी रिज़ल्ट आने वाला था वो बफरिंग हो रही थी एंड देन जो मेरे मन के अंदर हो रहा था वो ऐसा था कि भाई क्या होने वाला है आज क्या आज आ, अंडर हंड्रेड रैंक आएगी या थाउजेंड के भी पार जाएगी क्या होगा या क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लग भी रहा था यार कि कुछ भी हो सकता है क्या पता सब गलत ना हो गए हो सारे का आंसर मतलब बहुत सारा ऐसा बहुत सारी एंगजाइटी हो रही थी और जैसे जैसे वो गोला घूम रहा था एंड देन फाइनली जैसे ही वो गोला एकदम ऐसे रुका एंड देन स्क्रीन पे अपीयर हुआ 98 एट मैं इतना खुश हो गया कि भाई ठीक है अब तो जे ही क्लियर हो गया अच्छी रैंक आ गई अच्छा कॉलेज मिलेगा सबसे पहले भागा घर वालों के पास उनसे बधाई ली एंड देन फिर जाके जैसे टाइम मिला खुद के लिए तो सोचा यार कि जो बचपन से मैंने सपना देखा था फाइनली वो आज जाके सच होने वाला है जो मैंने अपने पापा को देखा था किस तरीके से वो घर की चीज़ें सुधार रहे हैं मुझे भी मौका मिलेगा वो सारी चीज़ें सीखने का मुझे मौका मिलेगा इंजीनियरिंग पढ़ने का ठीक है जो अपने भाइयों को देखा था इंजीनियरिंग करते हुए मुझे भी मौका मिलेगा तो वो चीज़ें देख के वो चीज़ें देख के मुझे लगा कि यार सपने देखने चाहिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जिस चीज़ के लिए आप पैसने, पैसनेट पैशनेट हो वो चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप अपना दिलो जान लगा दोगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए और अब मैं बताता हूँ आपको जे एडवांस के लिए कुछ टिप्स ठीक है मैं जानता हूँ कि जी एडवांस ट्वेंटी सिक्स मई को है और अभी एक महीने से भी कम का टाइम बचा है तो आप सब काफ़ी एंग्शियस होंगे कि यार कैसे प्रिपेयर करें क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए चीज़ क्या चीज़ें नहीं तो कुछ डूज एंड डोंट्स जो मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो वो शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो आपको बहुत लोगों ने बताई होगी आपके सारे टीचर्स ने बताई होगी बट फिर भी बच्चे को बच्चों को लगता है यार कि ये किसी किस काम की चीज़ है इससे ना हमारा फोकस बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है ठीक है एंड ना कन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं वो ये है कि आपको अपना स्लीप शेड्यूल सही करना है ठीक है मैं जब आपकी एज में था तो मेरे को भी लगता था यार कि इससे कंसेप्ट थोड़ी क्लियर होंगे बट जिस दिन मैंने ये दिया ठीक है मैंने आपको बताया अभी कि उस एक रात नींद नहीं आती ठीक है वो जेई के दिन के पहले आपको भी बहुत सारे लोगों नींद नहीं आ गई कुछ होंगे एक्सेप्शनल जिनको नींद आ जाएगी बट मोस्टली लोगों को नींद नहीं आती अब अगर आपका स्लीप शेड्यूल ऑलरेडी खरा ख़राब है ठीक है आप ऑलरेडी बारह एक बजे सो रहे हैं तो आप फिर अगले दिन उठ अगले दिन जब आप उठते हो तो आप आठ नौ बजे उठते हो ठीक है तो जेई वाले दिन अगर आप बारह बारह एक बजे सोते हो तो आपको नींद आएगी तीन चार बजे एंड देन फिर आप सात बजे सुबह उठोगे तो आप जब पेपर में जाओगे तो आप फोकस्ड ही नहीं रहोगे तो आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आप अभी से जो स्लीप शेड्यूल है ठीक है उसको चेंज कर लें आप ट्राई करें कि जो आपका स्लीप शेड्यूल हो वो ऐसा हो कि आप दस ग्यारह बजे सो जाएँ एंड देन छः सात बजे उठ जाएँ जैसे ही आप सुबह छः सात बजे उठें सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं एंड देन फिर आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट खा सकते हैं ठीक है तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो फोकस है ठीक है वो थ्रू आउट द डे बरकरार रहेगा एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से फॉलो करनी है अभी भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार वो आखिरी दिन कर लेंगे मैनेज कर लेंगे मैं बता रहा हूँ आपको वो आखिरी दिन नहीं मैनेज होता है ठीक है अगर आपका स्लीप शेड्यूल सही नहीं है मेरा खुद का जो स्लीप शेड्यूल था वो दस ग्यारह बजे था फिर भी मैं पेपर के दिन पाँच घंटे की नींद ले पाया तो ये जो चीज़ है ना वो आपको फॉलो करके ही चलनी है तो ये हो गई पहली टिप दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे यही करीब आ जा आते जा रहा है आपको अपने पेपर देने की फ्रिक्वेंसी जो आप प्रैक्टिस पेपर देते हो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है ठीक है जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जेई के पहले हर दिन आ, एक जे एडवांस का पेपर एक जेई में एक जे एडवांस का पेपर सुबह और एक जे एडवांस का पेपर शाम को मतलब पूरा एक जेई का पेपर देता था वो भी नौ से बारह एंड दो से पाँच ठीक है जो जेई का स्लॉट था उसी स्लॉट में तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो उसी रिदम में आ जाती है और आपको अभी से ट्राई करना है कि आप अपनी बॉडी को उस रिदम में ला दो ठीक है एंड अगर आपका कोई सिलेबस बचा हुआ है तो आप हर दिन पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर लें एंड हर तीन दिन में ट्राई करें कि हर तीन दिन में आप एक फुल जे का पेपर दे पाते हो एंड अगर आपका सिलेबस पूरी तरीके से कम्प्लीट है तो बहुत अच्छी बात है आप अभी से हर दिन एक जे का पेपर या फिर आप हर दो दिन में एक जे का पेपर दे सकते हैं और पेपर देने के बाद केवल मार्क्स कैलकुलेट करके छोड़ना नहीं है आपको अपने सारे जो टॉपिक्स वीक या स्ट्रॉग वो आइडेंटिफाई करने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस हिसाब से उन पर और वर्क करना अगर कोई चीज़ वीक है ठीक है तो अभी वो टाइम है कि अभी आप उस पर वर्क कर सकते हो आखिरी के दस दिन में आप कुछ नया या फिर कुछ नया नहीं सीख पाओगे ठीक है ना तो अभी से ट्राई कर लो कि जितने बीस पच्चीस दिन बचे हैं उसमें आप ये चीज़ करते रहो ठीक है एंड देन एक और चीज़ ये है कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है ठीक है इस चीज़ पे भी लोगों को लग रहा होगा कि ये किस काम की बट जो मैंने आपको बताया ना कि आप अगर पूरे दिन फ्रेश नहीं फ्रेश नहीं रहोगे ठीक है तो आपका माइंड भी फ्रेश नहीं रहेगा एंड देन फिर वो अंदर से फोकस नहीं आता है वो अटेंशन नहीं आती है तो आपको ट्राई करना है कि रोज़ सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करो इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं ठीक है वो ये है कि एग्ज़ाम जो आप देते हो ठीक है जे का तो आपको पहले से अभी से पता करना है कि आप फिजिक्स को कितना टाइम देते हो आप मैथ्स को कितना टाइम देते हो आप केमिस्ट्री को कितना टाइम देते हो ठीक है जैसे मेरा फिक्स था कि मैं केमिस्ट्री को तीस से चालीस मिनट देता था फ़िज़िक्स को मैं एक घंटा देता था एंड देन जो मैथ्स था उसको एक घंटे के बवाब देता था तो आप भी इस तरीके से पहले ये टाइम निकाल लें एंड देन फिर पेपर की एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आप किस सब्जेक्ट को पहले अटेंड करेंगे आप पहले केमिस्ट्री अटेंड करेंगे या मैथ्स करेंगे या फिज़िक्स करेंगे तो मेरा जो तरीका था वो सब ये बहुत ही सिंपल तरीका था कि जो सबसे ईजी सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो आप सबसे पहले अटेंड करें क्योंकि अगर आप ईजी सब्जेक्ट पहले अटेंड करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके एंड एक बार माइंड में कॉन्फिडेंस आ गया तो वो हार्ड क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेता है और उनको भी सॉल्व कर देता है और साथ ही साथ स्टार्टिंग में जो हमारा माइंड रहता है ना वो थोड़ा स्लो रहता है तो हम जैसे ऐसे डूएबल क्वेश्चन करते जाएंगे माइंड भी हमारे रिदम में आता जाएगा एंड फिर फिर हम हार्ड जो क्वेश्चन हैं उनको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे तो आपको ये चीज़ करनी है कि अभी से टाइम निकाल लो मैं क्या करता था मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को सबसे आसान केमिस्ट्री लगती थी तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट करता था एंड देन तीस से चालीस मिनट केमिस्ट्री को देने के बाद मैं फिज़िक्स पे मूव ऑन करता था एंड देन सबसे हार्ड जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता था वो थी मैथ्स तो मैं सबसे साइड में मैथ्स को रखता था एंड देन हार्ड हार्ड के कभी अगर क्वेश्चन छूट भी गए तो भी उतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे वैसे भी नहीं होने थे ठीक है बट अगर ईजी के छूट गए तो मार्क्स तो यार हार्ड वाले और ईजी वाले सेम ही कैरी कर रहे हैं तो अगर आपने ईजी वाले सारे अटैम्प्ट कर लिए तो भी आप एक एडवांटेज में हो ठीक है तो ये चीज़ है उसके अलावा एक और चीज़ जो आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट के लिए कर कर सकते हो वो ये है कि आप पेपर को राउंड्स में दो ठीक है तो जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप इजी इजी क्वेश्चन करो इजी से मेरा मतलब है वो क्वेश्चन करो जो आप जिसका थॉट आपको थर्टी सेकेंड्स में आ जाए एंड देन आपको लगे इसको तो सॉल्व कर लूँगा ठीक है तो फर्स्ट राउंड में आप वो सारे क्वेश्चन कर लो फिर आप सेकेंड राउंड में पेपर को वापस विजिट करो एंड देन वो सारे क्वेश्चन देखो जिसमें आपको थोड़े टाइम के बाद थॉट स्ट्राइक करते थोड़े टाइम बाद थॉट आ जा रहा है एंड देन अगर फिर भी थॉट नहीं आता था, तो थर्ड राउंड के लिए छोड़ दो ठीक है एंड अगर थर्ड राउंड का टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं आपने फिर भी पेपर को दो बार गो थ्रू कर लिया आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे और जो नहीं हुए हैं वो बहुत सारे लोगों से नहीं हुए होंगे बट एटलीस्ट आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया है आपने अपना बेस्ट दे दिया है तो आपको ये ट्राई करना है कि उस दिन आप अपना बेस्ट दे दो तो मेरा जो टाइम जोन था वो ये था कि मैं वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स अपने फर्स्ट राउंड को देता था एंड फर्स्ट राउंड में अगर सिक्सटी क्वेश्चन है ठीक है एडवांस में तो मैं फर्स्ट राउंड में ट्राई करता था कि फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन कर लूँ एंड देन उसके बाद जो मेरा सेकेंड राउंड होता था वो एक घंटे का होता था जिसमें जो हार्ड क्वेश्चन है जिनको मैं पाँच सात मिनट दे रहा हूँ ठीक है तो मैं वो अटैम्प्ट करता था एंड देन वो अटैम्प्ट करके आ, मेरे पास आखिरी में शायद पंद्रह बीस मिनट ही बचते थे मतलब एक घंटा सेकेंड राउंड को देता था तो अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम बच गया किसी पेपर में तो मैं एक और पूरा थर्ड राउंड पूरा रिवरेट कर लेता था जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वर्ना अगर केवल पंद्रह मिनट बचे हैं तो मैं अपने सारे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन थी ठीक है एंड देन उनको एक बार चेक कर लूँगा कि यार कोई स्ली मिस्टेक तो नहीं हो गई बीच में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप अपनी स्ली मिस्टेक्स को करेक्ट कर लो क्योंकि जिनमें जो टफ हैं ठीक है जो नहीं होने वो तो नहीं होने बट जो होने हैं उनमें आपको मार्क्स ज़रूर लाना है तो ये ट्राई करें कि एक बार विजिट कर लें अपने क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम बचता है एंड देन आप अपनी स्ली मिस्टेक ठीक कर लें इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने ब्रेन को काम रखें ठीक है इसके लिए आप मेडिटेशन करें आपका ब्रेन अगर काम होगा तो पेपर के दिन आपको अगर आप किसी हार्ड क्वेश्चन को भी अप्रोच करते हो तो आप बहुत जल्दी तीन चार अप्रोच ना दिमाग में ही सोच लोगे एंड देन फिर आपको थॉट आ जाएगा ठीक है और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है विजुलाइजेशन ठीक है तो विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी आँखें बंद करके बस ये इमेजिन करते हैं ठीक है आप इसको सुबह या रात कर सकते हैं कि अगर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं परफेक्टली हैप्पी हूँ ठीक है मेरे कोई टेंशन नहीं हो रही मेरे कोई एंगजाइटी नहीं हो रही और मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है तो जब आप ब्रेन को ये सारी चीज़ें विजुलाइज करवाओगे तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन असली में ये चीज़ें करेगा ठीक है तो आप ये चीज़ पेपर के दिन सुबह ही कर सकते हैं और एक रात पहले भी कर सकते हैं और अगर पेपर नहीं है तो भी आप नॉर्मली कर सकते हैं आप बस ये विजुलाइज़ करें कि अगले दिन मैं अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ फुल्ली फोकस होके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एंड देन मैं पूरे अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो आपको बस ये विजुलाइज़ करना है और साथ ही साथ इस पीरियड में एक और चीज़ ध्यान रखें कि, कि किसी भी टाइप के गॉसिप को अवॉइड करें जितना से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ब्रेन को पढ़ाई की तरफ ही फोकस रखना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और एक्टिविटी ना करें आप खेलने जाएं दिन में एक घंटा खेलने के लिए निकाल सकते हैं सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड देन आप अगर आप पढ़ाई से बोर हो गए ठीक है तो आपको जो पसंद है आप वो कर लें बट फालतू गॉसिप्स में आपको टाइम नहीं देना है ठीक है एंड लास्ट चीज़ लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो अभी ये है कि ये बेस्ट टाइम है जो आपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे थे उनको आप एक बार गो थ्रू कर लें ठीक है अगर आपसे वो क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको लगेगा कि हाँ भाई दो साल में मैंने बहुत चीज़ें करी हैं एंड देन वो सारी चीज़ें मेरे को अभी भी याद हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के लिए एंड अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये टॉपिक अभी भी वीक है देन उस पर वापस आपको पढ़ना है एंड देन फाइनली आपको वापस वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ठीक है तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जे से रिलेटेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर जे एडवांस टू